धरम तब ओकरे के मांग में सेमी नाम ई सब जवार बने के भय हाँ जहां भय बता रहे आगे के सब एथे कर दे आ ओ फेर ओकरा मांग में सेमी न भाई तब फेर लो खाए त सब बताओ त सब देखता हूं निकले आ के देखते सब कहला खाए त सब के बुलावल जते तब न होतै। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सोना सिंह सोनी में। तो जब से हम लोग घर आए हैं तब से ये लोग हम लोग का पीछा छोड़ नहीं रहे, हम लोग को आराम भी नहीं करने दे रहे। बहुत प्यार करता है हम से, बहुत हम लोग से प्यार करता है। ठीक है, चल YouTube के नाम बताओ, YouTube चैनल के नाम सोना सिंह सोनी। चलो पीछे जाओ, तू रघुओ ये सब के नाम की चल एक नंबर बाबू। YouTube के नाम मत बताइए, जब सिया में ये तब बताइए। सुने तो हम लोग दूसरी शादी करने के लिए बिहार आ चुके हैं और फाइनली ये हमारा घर है। आपको पूरे घर का ब्लॉग कभी आराम से दिखाएंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि हमें दूसरा शादी करना है। हम सिर्फ अपने पेरेंट्स से बात करके यहाँ पे आ गए, उसके बाद अब बहुत लोग हैं, जैसे हमारी दादी स्पेशली और बहुत से लोग इनके घर में, हमारे घर में अभी बहुत लोग हैं जिनको समझाना पड़ेगा कि हाँ आखिर क्यों है, क्योंकि ये जो शादी हो रहा है ये एकदम नया चीज है। हाँ, तो कोई तो नया चीज स्टार्ट करने में कोई भी कतराता है, तो कोई एक्सेप्ट तो करेगा नहीं। हाँ। तो और गांव में होगा तो आप सबको भी पता है कि अगर पहला शादी करना हो तो अभी कितना बड़ा बात होता है। हाँ। तो अभी सबको कन्विंस करना बहुत बड़ा बात है, तो हम सबसे पहले अपने दादी के पास चलेंगे क्योंकि उनके परमिशन के बिना ये शादी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा देर के बाद जब हम दादी के पास जाएंगे तो उससे शूट करेंगे और उसको कन्विंस करने का पूरा कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं दादी क्या बोलती है। और उसी तरीके से हम सब किसी को कन्विंस करने का कोशिश करेंगे ताकि कोई नाराज ना रहे और शादी खुशी खुशी हो। तो जब से घर आए हैं तब से दादी कुछ कहना चाह रही थी लेकिन हम सुने नहीं कि हम सोचे वीडियो में सुनाने के लिए आ गई नहीं। कब काका कहे चाहत ले ओबेरा से, ओबेरा से काका कहे चाहत ले कह सकली सब बोल काका करे ले बा साल के शादी के सालगिरह मनाबे त मनाबे आई सब हद से परान जात रहे। हमरा तो सब कहला कि झूठो के से कह देले ना, झूठो के कह देले ना, मत घबराए का हो के का जा कहले के फेन ओकरे मांग में सेनु पड़ता बियाह कर जिला जवार में भइल है कि हां तब तू करबे उपहार से पता ले सब मिला दी। बाप रे बाप कतना कमाई थई से अतना आगे में मुतई थई त करे के चाही कि ने माने ई सब काम ने होतई। मतलब शादी बियाह करे के चाही, लोग के न खियाएं, लोग के थोड़े खाना खियावल जतै। तो शादी बियाह के सब एथे करबे आ ओ फेन ओकरा मांग में सेनु न भाई तब फेर लोग खाए तो सब बताओ तो सब देखता हूँ निकले आके देखते सब कहला खाए तो सबके बोलावल जते तब न होतै। तो चुपे चुपे होके बोला ये तो हमने के अपना शौक सरदारा करे थी एक बार तो शादी करे ई सब न होता ई सब सब सदाव जे हो से करी सब सब न कर दे देख का होई से बताई थी हो। ओ शादी के सालगिरह मनावल मना ओ खिया पिया को बाकी राव सपने ई सब दोबारा तुम ओकरा मन में सनो रानी ओहे लड़की के डालम ओही लड़की के ओसे का सबने काम भइल है। अच्छा देख का का जान सब के का रहे हो पर का कह तरे आओ सब के का रहे हो पहले तो तोहर रहे नु जानम कि तू का चाहत रे बुजुर्ग काम न कर। अच्छा का करे चाहत थी हमने के ई बता। तो काल से धरम तब ओकरे के मांग में सेमी नाम ई सब जवार बने के भय। हां जहां भइल बता रहे थे कुछो ने करम देख का करम खाली हाथों में अंगठी पहनावल जाले नु हाथे करबे हाथ में अंगठी ने पहनावल जाले ओकरा काती कल जाले गे सगाई सगाई को सगाई समझलिस नु सगाई कल जाले अंगठी पहनावे वाला में तब फिर अंगठी पहन गे। हां तो अंगठी पहनाम तो में तो कोई दिक्कत ना खई नु अब हम का जानि अपन आ ऊपर से देख हरदी मटकोर में कुछ नहीं होता है खाली नु जन हरदिया रहल है जैसे हरदी ने चढ़ावल जाल है उ हां तो पहले एगो सत्यनारायण भगवान के पूजा होता है तो पूजा पहले अब उ वाला ओकरो बारे में बात करम तो पहले ठहर पहले जे कहै छी सुन मामो हाल का दो। अच्छा उहो होय पहले एगो सत्यनारायण भगवान के पूजा होता है वो उनका पूजा हो जाय हां मान ले हां कि कथा कहावे लबा सिर्फ चर्चा करावे लबा
पहले चिंता से यहाँ मरल थे हम वही से तो मरे से पहले हो चिंता मत कर पहले शादी के बात में हुई था पहले उन्हें फाइनल कर ठीक बा ओकरा बाद ओकरा बाद हाउ हाथ में अंगूठी पहनावे वाला होता है आ ओकरा बाद हाउ मटकोर में जौन पानी कटाए माटी कटाए आ का होखल है अथी लगाए सब नहीं होता है ओ में कदम कालसा धर में ने के कहलौ ग सब तो कहला था तो जा जा तो अब हम कहै छी कि उ नहीं होता है ओ में खाली का होता है कि मरद मेहरारू एक जगह बैठम आ तोहनी के हर दिन रहल रे हरदिया लेके हरदिया हमनी के गाल उल में लगा देबे तो मटकोर खत्म हो जत है बस आ एक दिन दोनों हाथ में मेहंदी लगाएं आ तोहनी के साथे फोटो खिंचा लेम तो मेहंदी हो जत है आ शादी लागी जाम कहूं मंदिर में दोनों बेकत शादी कर लेम तोहनी के साथे चलबे तू तो नहीं जा रहा एक बार है लेकिन जे जाय से मंदिर में साथ तू जोन मर्दी से इतना होए के चाहे लो हाँ तो भाई अच्छा तो तू तो पूछ ले हता कि सब कर रहा हूँ पहले तो हम तोड़ा से न पूछा हमर मालिक तो तू बार है हाँ तो मालिक है तो हम तो न कर रही थे बाकी वो लोग क्या कर रहे हैं तो पहले तू हाँ कहे तब आगे बात बनी ना तो कैंसिल हो जाए हाँ तो कहता ये कैंसिल करे रहा है तोहर हाल नहीं जाना हाँ लेकिन मान ले कि जोन बोझ खियावे ला रहती है रिश्तेदार के बोला जाना जाना जिला में भयल बात आना जिला में सब रहे थे हमनी के नियम कानून चालू करम तब न चालू होता है आगे में है सब शौक श्रद्धा आदमी के है तो निशा थोड़ा कोई दिक्कत नहीं हो दे तोहर दिक्कत की कोनो बात आगे चल के कोनो बात हो तो हम मरम ने तोरा मरे से पहले कुछ ना होई मरे के पहले चल ठीक बा जोन माने थी कि जोन बात नइखे भयल आ बात होई नया पर शुरू करल जाले कोई कोई चीज नोखा लागे कि का लागे ओला हम घबराई छी भगवान पर भरोसा रखम कुछ नहीं होई ओ मामा से पूछ हाँ। कौन तू बाकी हमार कुछ नोखा नहीं होई के चाहे कुछ बात नहीं होई के चाहे हमार खुशी से करई पता ना खुशी से खुश रह ठीक बात तोरा आशीर्वाद से करी नु शादी तो कर अब मनाई तई का तो आशीर्वाद ले लो का फिर कोई पति करे नु ठीक बात तो तोहर आशीर्वाद बा नु मन है तो हम आशीर्वाद ले लियो कि हां कोनो बात के दिक्कत ना होए के चाहिए ठीक बात अब लड़का मन है तो नहीं खे तो फाइनली आज का रात हमारा पहला रात है बहुत ठंडा है यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा इधर पीछे में हीटर चला के हम लोग सो रहे हैं हम बता दें जब हम घर पे थे ना तब का हम शैम्पू किए और मेरा बाल नहीं सूखा इसलिए हम हीटर में यहाँ पे लेटे हुए कि मेरा बाल सूख जाए हम लोग आए थे दूसरी शादी करने पता चल रहा है बाप रे शादी तो बाद ही में होगा पहले इंसान बच जाए मतलब लेकिन बात सही है सेम यही टाइम ना हम लोग के मतलब फर्स्ट वाले शादी में भी उस शादी में तो ठंडा महसूस ही नहीं हुआ था एक्साइटमेंट था भीड़ भाड़ था घर में भीड़ भाड़ शुरू हो गया था तो आदमी को उतना मतलब रियलाइज करने का मौका नहीं मिला तो बस आज के वीडियो में आपको पता चला कि दादी को मनाना कितना मुश्किल था और फाइनली हमने मना लिया सो उसके लिए भगवान को थैंक यू सो मच कि हमारे पास इतना ताकत दिया गया उसके हम दादी को मना सके ये बात है ना कि ये कन्विंस करने में मतलब एक नंबर है कन्विंस तो ये आराम से कर लेते हैं ऐसा बात नहीं है बाकी ठीक है देखते हैं कल के बाद और बाकी लोग से भी कुछ राय विचार कुछ बातें हैं बहुत है गांव गली में भी बहुत लोग हैं जिनसे बात करना पड़ेगा क्योंकि उनका भी कुछ कुछ बात है तो किसी के मन में कुछ ऐसा संकोच नहीं होना चाहिए तो सबके साथ बैठेंगे प्यार से बात करेंगे सबको तो खुश नहीं रख पाएंगे बट कोशिश जरूर करेंगे कि एटलीस्ट सुन पाए उनका बात रख पाए या नहीं रख पाए तो बस हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में इस वीडियो में आप प्यार बनाए रखना बस